हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिन टेक बिट चैनल। दोस्तों आज हम मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 इन दोनों प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये प्रोसेसर अराउंड 20,000 बजट के फोन के अंदर मिल जाता है और ये दोनों प्रोसेसर काफी अच्छे भी है। अगर आप इन दोनों प्रोसेसर का कोई भी फोन खरीदते हैं तो कुछ पॉइंट आपको इन प्रोसेसर के बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों जनरली हम कोई भी लेटेस्ट प्रोसेसर हो उसकी जनरेशन से पता चलता है कि ये एक नया प्रोसेसर है, और जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो पुराने प्रोसेसर से ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट भी होता है। और यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि डायमेंसिटी 7300 एक सक्सेसर है डायमेंसिटी 7200 का, और ये डायमेंसिटी 7200 से ज्यादा फास्ट एंड एफिशिएंट भी होगा। बट दोस्तों इन दोनों प्रोसेसर की केस में ये टोटली ऑपोजिट है। दोस्तों इन दोनों प्रोसेसर की अगर हम एंटोटो स्कोर देखेंगे तो डायमेंसिटी 7300 में हमें अराउंड 679,000 के स्कोर मिल जाता है, और वहीं पे डायमेंसिटी 7200 में 718,000 के अराउंड स्कोर मिल जाता है। हाँ दोस्तों, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप कोई गलत फोन चूज ना कर ले। और दोस्तों अगर इन दोनों प्रोसेसर की गिगबेंच 6 का स्कोर देखेंगे तो सिंगल स्कोर में डायमेंसिटी 7200 अराउंड 14% बेटर है। वहीं पे मल्टी कोर की स्कोर देखेंगे तो यहाँ पर डायमेंसिटी 7300 थोड़ा बेटर है। पर अगर हम इन दोनों की जीपीयू स्कोर देखेंगे तो डायमेंसिटी 7200 अराउंड 41% बेटर है डायमेंसिटी 7300 से। और दोस्तों अगर इन दोनों प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर में आपको 8 कोर मिलता है, बट अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 7300 में आपको 2500 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी मिलता है, वहीं पे डायमेंसिटी 7200 में अराउंड 2800 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी मिलता है, जो कि 300 मेगाहर्ट्ज़ ज्यादा है डायमेंसिटी 7300 से। नैनोमीटर के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 4 नैनोमीटर के प्रोसेसर हैं, और इनके टीडीपी के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 7300 एक 3 वॉट का प्रोसेसर है, वहीं पे डायमेंसिटी 7200 एक 5 वॉट का प्रोसेसर है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं, तो उस केस में आपको डायमेंसिटी 7200 की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको एक एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए जिसपे आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, जिसपे आपको बैटरी लाइफ बहुत अच्छा चाहिए, तो आपको डायमेंसिटी 7300 की तरफ जाना चाहिए। सो दोस्तों ये था आज का हमारा इन दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिला हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह वीडियो के बारे में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।